हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे अडानी पावर और अडानी विल्मार के शेयर के बारे में दोस्तों लगातार आपको देखने को मिल रहा है अडानी पावर अडानी विलमार के अंदर मूव आ रहा है अडानी विलमार डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है बट अडानी पावर डेफिनेटली बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है एंड क्या फिर से दोनों के अंदर खरीदारी का सही मौका मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे कंपनी के सी की तरफ से बहुत अच्छे बयान आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जो उनका बयान आता हुआ देखने को मिला है एंड डेफिनेटली यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक के टारगेट्स के ऊपर तो दोस्तों अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा so दोस्तों विल्मार की अगर बात करें तो तो गिरावट देखने को मिली लेकिन लास्ट एक महीने में डानी विलमार काउंटर का डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है 5.66 पॉइंट आपको रहता हुआ देखने को मिल गया और लास्ट हफ्ते की बात करता हूँ तो, तो पांच से ज्यादा गिरा लेकिन नंबर्स इतने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आकर्षक आते हुए देखने को नहीं मिले और आकर्षक आते हुए देखने को नहीं मिले एंड क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत बढ़िया कर चुका था तो प्रॉफिट टेकिंग मार्केट ने दिखा दी और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर कह सकते हैं कि डेफिनेटली गिरावट में आपको आता हुआ देखने को मिला अब अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं स्टॉक की तो देखिए ओपन हुआ था ये फ्राइडे को सिक्स सिक्सटी पे सिक्स सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन फाइव का हाई सिक्स फिफ्टी सेवन का लो क्योंकि देखिए पाँच परसेंट की है तो ज़्यादा बड़ी रेंज बनती नहीं है बट स्टॉक में अभी मूव आपको आता हुआ जो देखने को मिल रहा है वो ज़्यादातर डाउन साइड का है फ्राइडे के सीजन में भी आपको यहाँ पे कोई बड़ी तेजी आती हुई देखने को नहीं मिल पाई लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहता हुआ देखने को मिला अडानी ग्रुप का सेवेंटी वन परसेंट लास्ट सिक्स मंथ्स में अगर साल की शुरुआत से आप देखेंगे तो वन फोर्टी फाइव परसेंट लिस्टिंग से देखेंगे तो रिटर्न आपको यहाँ पर शानदार देखने को मिल ही रहे वन फोर्टी फाइव परसेंट के तो दमदार देखिए तेज़ी दमदार रैली अडानी विलमान ने ऑलरेडी दिखा दी है लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है प्रॉफिट टेकिंग आना इंपॉर्टेंट भी है और जो भी आता हुआ देखने को मिल रहा है अब कंपनी के जो सी है उनकी तरफ से काफ़ी बड़े बयान आते हुए देखने को मिले और उन्होंने बताया कि देखिए अर्निंग से डरिए मत हम क्या करने वाले हैं आप हमारा प्लान समझिए तो चलिए एक बार उसको हम देख लेते हैं तो दोस्तों देखिए क्या कहा है कंपनी के एम और सीईओ ने साफ साफ कहा है वी आर पुटिंग ऑल आर अर्निंग्स इन टू ग्रोथ हमारी जो भी अर्निंग्स रहेगी वो हम सिर्फ ग्रोथ के अंदर आपको लगाते हुए देखने को मिलेंगे सी एज अ इन्वेस्टर एज अ रिटेलर अगर आप यहां पर सोचते हो तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन तो कह रहता है कि आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर एनालिसिस करिए उसको देखिए समझिए अगर वो नंबर सही आते देन इन्वेस्टमेंट आगे आप लेके चलिए दूसरी बात क्या होता है कंपनी का मैनेजमेंट देखिए बहुत बार फाइनेंशियल नंबर्स वो पेश नहीं कर पाते जो मैनेजमेंट की थिंकिंग होती है बहुत बार देखिए बिजनेसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलता है लेकिन अगर एक मैनेजमेंट एक्टिवली वर्क कर रहा है मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हम बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे ज़रूर मैनेजमेंट बहुत बार देखिए भटकाने की कोशिश करता है इसमें कोई डाउट नहीं है बट अगर आप एक कंपनी को देख रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म का ग्रोथ बढ़िया रहा है अडानी बिलवार उनमें से एक है तो आप मैनेजमेंट पे डेफिनेटली विश्वास करिए ये मेरी आपको साफ साफ सलाह होगी तो इंपॉर्टेंट यही है कि कंपनी के देखिए सी और एम अगर कह रहा है कि अगर हम या हमारा जो पैसा है वो सिर्फ हमारी ग्रोथ के अंदर लगाएंगे तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है पैसा कहाँ लगना चाहिए ग्रोथ में लगना चाहिए तभी तो देखिए अगर कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक का ग्रो करना हंड्रेड पक्का है कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करेगी तो हंड्रेड स्टॉक का कितना पक्का है ये बात एक सिंपल सादी बात है लॉजिक वाली बात है तो देखिए अंशु मलिक साहब ने यही साफ साफ कहा कि आपने उनसे पूछा गया कि आप आपने जंप देखी है वॉल्यूम्स के अंदर लेकिन क्या ये आगे भी एट्रीब्यूट करेगी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप एफ में तो हमने टोटल फिफ्टी थ्री परसेंट की जंप देखी है क्यों देखी है क्योंकि हमारा स्टेपल बिजनेस है जो फॉर्च्यून ब्रांड है वो डेफिनेटली कनेक्शन करता है कंज्यूमर्स के साथ और उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर्स हमारे ब्रांड के साथ हमेशा रहते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टेपल प्राइजेस ज़रूर पाँच से सात अप गई तब भी हमने बढ़िया किया सो अच्छी बात है क्या है कि एक्सपोर्ट से ज़रूर दोस्तों बेनिफिट होता है फिल्मार को भले वो राइस में हो भले वो सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ पर भी बढ़िया कर रही है राइस एक, एक्सपोर्ट जो कंपनी के थे वो करीबन सत्तर परसेंट बढ़ गए सो ओवरऑल ग्रोथ बहुत दिखती हुई देखने को मिल रही है और यही इंपॉर्टेंट बात है उनसे ये भी पूछा गया कि आपका करेंट डिस्ट्रीब्यूशन रीच क्या है और क्या रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी करीबन पाँच लाख पिचहत्तर हज़ार के आउटलेट्स हैं जो इनडायरेक्ट वन पॉइंट सिक्स मिलियन कस्टमर्स तक आते हैं लेकिन उनका मानना है कि हम सात लाख डायरेक्ट रिटेलर से अब यहाँ पर डेफिनेटली पहुंचेंगे तो अपने आप में देखिए ये ये बयान इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ स्टोरी एंड इंपॉर्टेंट क्या रहता है आउटलुक ग्रोथ स्टोरी तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का आउटलुक कि क्या कंपनी यहाँ से करती हुई देखने को मिलेगी एट दी एंड ऑफ ईयर एट दी एंड इन द फ्यूचर ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर और इनसे ये पूछा गया कि सनफ्लावर ऑयल का अभी क्या स्टेटस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये रशिया यूक्रेन दोस्तों आप सबको पता ही है तो उन्होंने कहा कि एज़ फार एज़ सनफ्लावर ऑयल इज़ कंसर्न जो टोटल डिमांड है वो डेफिनेटली आती हुई देखने को मिली है इम्पोर्ट्स पचास से ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके प्रेजेंट डिमांड सनफ्लावर ऑयल की लिमिटेड ही है स्मॉल क्वांटिटीज डेफिनेटली अर्जेंटीना से आती हुई देखने को मिल रही है स्मॉल क्वांटिटीज रशिया से भी आ रही है टर्की और अदर कंट्री से भी हम ले रहे हैं लेकिन इंडिया ने क्योंकि उसका डेफ़िनेटली सेकंड एक प्रेफरेंस भी रहता है तो उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली इतना प्रेशर नहीं है सनफ्लावर ऑयल के ऊपर तो ये भी इंपॉर्टेंट बयान था कि सनफ्लावर ऑयल के ऊपर ज़्यादा देखिए जो डिमांड है भली यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है लेकिन कंज्यूमर भी समझ चुके हैं और दूसरे ऑयल्स पर डेफिनेटली स्विच uh, करते हुए देखने को मिल रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ओवरऑल जो कंपनी के सी के साहब की तरफ से बयान आते हुए देखने को मिले अनडाउटेडली मार्केट के लिए पॉजिटिव थे शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव थे ओवरऑल मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं लगी तो देखिए अब अडानी विलमान का अगर आप चार्ट देखेंगे तो साफ बात यही कि अभी भी स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये पॉजिटिव साइन है इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए यानी अगर छः सौ छत्तीस के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो दिक्कत है राइट लास्ट एक महीने में हमने एक तगड़ा मूव देखा राइट लेकिन अभी गिरावट आ गई अब जो गिरावट आती हुई देखने को मिली है स्टॉक का इमीडिएट फिफ्टी डे जो मूविंग एवरेज है वो सिक्स का है अगर सिक्स फोर्टी फोर पॉइंट एट फाइव को बचाने में ये कामयाब हो गया तो यहाँ से तेजी बन जाएगी लेकिन अगर एक गिर गया तो फिर हंड्रेड डे मूविंग आ जाता है छः सौ तेईस रुपये छः सौ छब्बीस रुपये के आसपास का उस लेवल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उस लेवल को नहीं बचा पाता है देन यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी फिर यहाँ पे गिरावट बनती हुई देखने को मिलेगी तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लेवल्स का ध्यान रखिएगा अभी खरीदारी क्या कर सकते हैं तो अगर ये आपको मिलता है साढ़े छः सौ के नीचे तो डेफिनेटली एक बार बाइंग के बारे में विचार किया जा सकता है अदरवाइज जैसे मैंने आपको कहा लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अडानी विलमार एक प्रिफर्ड पेकेज जिसको अपने पोर्टफोलियो का आप हिस्सा बना सकते हैं बात करते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट काउंटर के बारे में अडानी पावर के ऊपर दोस्तों तो दोस्तों अडानी पावर के तो नंबर्स अनडाउटेडली बेहद पॉजिटिव आते हुए देखने को मिले इतने शानदार नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं लगातार दो क्वार्टर्स हो गए ये शेयर लास्ट हफ्ते आपको पॉइंट एट एट परसेंट बढ़ता हुआ देखने को मिला लेकिन ओवरऑल क्या था कि जो प्रॉफिट टेकिंग थी उससे आपको स्टॉक काफी ऊपर आता हुआ देखने को मिल चुका है यानी अगर आप इससे इस को टच मैच uh, भी करेंगे तो देखिए स्टॉक ने ऑलमोस्ट छः सात परसेंट रिटर्न फिर डिलीवर कर दी है तो स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है अच्छी बात है इंपॉर्टेंट था यही है कि देखिए अडानी पावर का शेयर छः सौ प... माफी जगह तीन सौ पचास रुपए के लेवल को ब्रेक अगर कर देता है आसानी से तो यहाँ पर जो है रैली बहुत बढ़िया एक्सटेंड होगी इसी हमने अभी देखा कि इसके बावन रुप का हाई लगा करीबन तीन रुपए का थ्री फिफ्टी फोर रुपीज़ का पावर निफ्तों का यहाँ पे हाई लगता हुआ देखने को मिला बट क्योंकि स्टॉक में रैली ऑलरेडी आ चुकी थी तो एक प्रॉफिट टेकिंग आ गई ठीक है प्रॉफिट टेकिंग आ गई तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट यही है कि आपको खरीदारी जो करनी है वो इस समझ से करनी है कि लॉन्ग टर्म आपका परस्पेक्टिव है क्योंकि अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो इसने लंबी अवधि में पैसा बहुत अच्छा कमा के दे दिया है शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा यानी इन द सेंस कि देखिए प्रॉफिट टेकिंग का बार बार आती जाएगी तीन सौ छप छ साठ पर आएगी तीन सौ पैंसठ पर आएगी प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी लेकिन अगर थोड़ा सा आप टाइम रुक सकते हैं यानी इस साल के अंत तक तो मुझे लगता है कि 440 से चार सौ का लेवल मुझे लगता है कि यहाँ पर अचीवेबल है बिकॉज जिस प्रकार से दोस्तों ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पूरी पावर सेक्टर की वो अनडाउटेडली बहुत शानदार है दूसरी बात जिस प्रकार से इस कंपनी अडानी पावर का खुद का बिजनेस बढ़ रहा है वो भी अपने आप में बेहद शानदार है तो अगर इसी ग्रोथ पर चलती रही कंपनी तो मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो फ्रेंड्स मे सलाह तो ये कि अडानी पावर के अंदर भी बने रही है पैंतालीस से तीन सौ पचास रुपये की जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है एक बार अगर तीन सौ पचपन को क्रॉस करेगा तो तीन सौ पैंसठ तक बहुत आसानी से जा सकता है फिर तीन सौ पैंसठ पे एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करता है तो फिर हमको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर चार सौ की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो ब्रेकआउट जल्द आता हुआ देखने को मिल सकता है अडानी पावर में तो मैं कह सकता हूँ लेकिन नीचे में भी तीन सौ का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंड्स और वॉचिंग दिस वीडियो